शुक्रिया डीजे संदीप स्ट्राइक पर है, मैच ऑन होने जा रहा है। बेहतरीन गेंद दी अंदर के करीब आई, ड्राइव किया गया लॉन्ग ऑन रिजन बढ़ाती हुई, एक रन के साथ संदीप ने अपने खाते को ओपन किया, टीम को पहुंचाया एक रन ओवर। संदीप और खेतन ये जोड़ी मैदान पर आई है। संदीप ने अपने खाते को ओपन किया, खेतन अब स्ट्राइक पर, खेतन है बेहतरीन गेंद दी, ड्राइव करना चाहते थे पॉइंट पर मगर बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में, डॉट बॉल। और बेहतरीन गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल कर दिया है बल्लेबाज को मगर गेंद विकेट कीपर ने आगे का काम पूरा किया, बल्लेबाज अपने क्रीज में मौजूद है। तीन गेंदों का खेल मैदान पर पूरा होता हुआ एक रन स्कोर बोर्ड पर लगा है। खेतन स्ट्राइक पर है, थोड़े से दो गेंदे बीट कराते हुए गेंदबाज, एक लाजवाब गेंदबाजी, दीपक गेंदबाजी पर है, दीपक की अगली गेंद शॉर्ट गेंद थी ऑफ स्टंप के बहुत ही बार अंपायर घूमेंगे, वाइट का इशारा, अतिथि रन के साथ रन संख्या में वृद्धि, रन संख्या जा बढ़ती हुई, तो दीपक सिंह गेंदबाजी पर है, खेतन स्ट्राइक पर, संदीप नॉन स्ट्राइक पर है। आज के दिन का ये पहला मुकाबला, ड्राइव करना चाहते थे मगर गौरव गेंद थी लाजवाब, अपील की गई अंपायर ने उसे नकारा, एक अच्छी गेंदबाजी, वन बाउंस गेंद विकेट कीपर के दस्तान में गई, अपील की गई वहां पर। खेतन थोड़े से गेंद के ऊपर जाकर खेलने का प्रयास करे मगर गेंद बल्ले पर आने का नाम ले रही नहीं है। संदीप नॉन स्ट्राइक पर है, दीपक गेंदबाजी पर है, एक अच्छी गेंदबाजी दीपक द्वारा, जैसे नंबर पांच आप देख रहे हैं, शॉर्ट गेंद थी बैकफुट पर गए पॉइंट पर, खेल दिया टीम पर, गेंद जा रही है, खिलाड़ी उस गेंद का पीछा कर रहे हैं, गेंद जाएगी सी मारेगा के बाहर, चार रनों के लिए फर्रार, सुबह का पहला चौका आता जो बेहतरीन बल्लेबाजी खेतन द्वारा इस मैदान पर। अब खेतन ने गेंद को परखा था, फुल टॉस गेंद थी, गेंद को मोड़ दिया आउटसाइड पर, गेंद स्क्वायर लेग पर जा रही है, एक रन दूसरे रन की मांगे, रन आउट का मौका बन सकता है, डायरेक्ट टू एजेंट का अंपायर का निर्णय, बल्लेबाज कौन, संदीप का विकेट गिरता हुआ, मधु संगीत आता हुआ। अब नीतीश के ऊपर जवाबदारी बड़ी है, वहां पर खेतन और वहां पर संदीप के द्वारा कॉलिंग में टूटा दिल और उनका विकेट गिरता हुआ पहला। नीतीश न्यू बैटर मैदान पर दाखिल हुए हैं, अब जवाबदारी बड़ी है, पहला ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या बनी है सात, एक विकेट के नुकसान पर। चले आए हुए तमाम टीमें अलीला तमाम संघाना विनंती का पुतुरी दिया, जो जल्द से जल्द आएगा उनको खेलने की विनती मिल जाएगी। केतन स्ट्राइक पर है, नीतीश नॉक स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे।
यूफूल गेंदबाजी पर आया है, खेतन स्ट्राइपर दूसरी ओवर की पहली गेंद खेल तैयार। ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है फाइन लेग पर और 1-2-3 निकल जाएगी कि गेंद सी मारेका के बाहर। ये नारंगी का मैदान है, ऑफ फील्ड फास्ट, गेंद सी मारेका के बाहर, केतन के बल्ले से दूसरा चौका। कम ऑन डीजे, हमारी टीम और बना मनोज चिले में नाला सबार के बीच पहला मुकाबला चौथे दिन का आप देख रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी, अब खेतन अपने खेल को बदला है, बेहतरीन गेंद पॉइंट पर खेल दिया, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा पॉइंट के खिलाड़ी के द्वारा एक रन आसान से पूरा होता हुआ इसको जा पहुंचता हुआ 12। अब नितेश स्ट्राइक पर आएंगे, पहली गेंद को फेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सुबह का क्षेत्र है और खुला जवाबी मैदान आप देख रहे हैं, नारंगी गांव से नारंगी और पाटिल परिवार के जाने से ये आगाज टूर्नामेंट का है। विपुल की अगली गेंद नितेश के लिए आ देवी, अच्छी गेंद दी पॉइंट पर खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में, डर बॉल। अच्छी गेंदबाजी, अब विपुल द्वारा बैकअप करना होगा क्योंकि ये सुबह का क्षेत्र है, डे नाइट क्रिकेट का महासंग्राम है, कल के दिन भी 11 बजे तक मुकाबले चले। शॉर्ट गेंद पुल कर दी, आउटसाइड पर गेंद ऊंचाई ज्यादा ली, खिलाड़ी है डीप पर मगर गेंद लॉन्ग में गिरी, जब तक गेंद को फील किया जाएगा 2 रन आसानी से पूरे किए जाएंगे। ये क्या अंपायर का निर्णय आएगा ये देखने वाली बात होगी। एक रन शॉर्ट का कॉल आया है, स्कोर जा बोलता हुआ 13 रनों पर। ये एक एक रन आपको बताने क्योंकि कल की रात एक मुकाबला, एक बॉल, एक रन और वो टीम ने मुकाबला गवाया, मैकडॉल खोसड़ा 11 टीम ने। कृष्णा बदल आगे पड़ाव लेती हुई नजर आई, बेहतरीन गेंद थी, खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन पर मगर बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी विफुल धारा होती हुई, पहली ओवर दीपक ने बेहतरीन अंदाज में फेंकी मगर आप विपुल गेंदबाजी का जलवा बिगड़ देवे, अभी तक 6 रन दिए हैं। बेहतरीन ड्राइव किया, गेंद लॉन्ग ऑफ पर आती हुई, गेंद को फील किया जाएगा, दूसरे रन की मांगे खाता का एंड पर थ्रो है मगर केतन बाल बाल बचे और 2 रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 16 रन पर। चलिए जैसाई 11 टीम और भंडारी 11 टीम के कप्तान से विनंती है कि टॉस के लिए जल्द से जल आ जाए। जैसाई 11 कर्णधार और भंडारी 11 टीम चलिए भंडारी 11 टीम अपन जल्द से आ जाइए प्लीज। आइए सुनते हैं मधुर संगीत हमारे डीजे ऑपरेटर प्रवीण पाटिल के द्वारा, कमांड डीजे। बेहतरीन शॉट, गेंद पॉइंट पर खेला है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। रमेश गेंदबाजी पर है, आखिरी ओवर लेकर अपनी टीम के लिए, स्कोर जा पता हुआ 17 रन पर, 16 रन बनते हुए। खेलना चाहते थे, ड्राइव करना चाहते थे, बैट का हिट लगा, गेंद शॉट थर्ड मैन पर जाती हुई नितेश और वहां पर आप देख रहे हैं केतन, ये जोड़ी मैदान पर है मगर आने वाली ये 4 गेंदों पर 8-9 रन जोड़ने होंगे। सुबह के क्षेत्र में हमने बहुत ही कम रन संख्या देखी मगर क्या मुकाबले देखे। केतन के लिए अगली गेंद रमेश द्वारा,
खदमों का इस्तेमाल कर खेलना चाहते थे, मगर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर के दोनों हाथ खुलते हुए वाइट का इशारा। चार गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है, स्कोर है 18 रनों पर। बेहतरीन शॉट ऑन फील्ड के ऊपर से खेल दिया, एक्स्ट्रा कवर क्रीजा में गेंद जा रही है, वन बॉल, गेंद निकल जाएगी सी मारका के बाहर, केतन के बल्ले से आता है यह तीसरा चौका, कम ऑन डीजे। इस चौके के साथ रन संख्या 22 22 रनों पर जाती हुई। आउटसाइड खेलना चाहते थे, गेंद शरीर को लेकर पॉइंट पर जाती हुई, विकेट कीपर जाकर गेंद को फील कर पाएंगे, लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा दावा। इस एक रन के साथ रन संख्या 23 23 रनों पर जाती हुई। दो गेंदों का खेल मैदान पर अभी भी आना बाकी है, इस दो गेंदों में क्या बल्लेबाज नितेश अपनी बल्लेबाजी का जलवा बिखरेंगे। ड्राइव किया हल्का होता था खेल को, खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में, जब तक गेंद को फील किया जाएगा। एक एक रन के साथ अब स्कोर को पहुंचा गया है 24 रन पर। आखिरी गेंद इसकी मिलेंगी क्या, 6 रन 4 रन 3 रन 2 रन, या फिर गेंदबाज बल्लेबाजों को डगआउट का रास्ता दिखाएंगे, या बल्लेबाज गेंदबाज को सीमा रेखा दिखाएंगे, करना होगा। कदमों का इस्तेमाल कर खेलने के अंपायर का क्या निर्णय आएगा यह देखना होगा। व्हाइट का इशारा आया है और बल्लेबाज खेतन की खेली को विराम लगता हुआ, एक गेंद खेलने के लिए जाना होगा। एक एक रन आपके लिए परेशानी वाली होगी, क्योंकि व्हाइट नो बॉल आपको एक आखिरी गेंद मैदान पर है, शुभम नी बैटर मैदान पर आखिरी गेंद खेले गए हैं। शेवट सा चेनू या शेरका मध्य आप बना रहा था, क्या बल्लेबाज कर पाएंगे। बैकफुट पर गया, जगह ढूंढी कवर पॉइंट के खिलाड़ी को चीर के, पॉइंट के कवर के खिलाड़ी जब तक गेंद को कलेक्ट कर पाएंगे। दो रन आसान से पूरे हो जाएंगे, तीसरे रन की मांगे, थ्रो खराब है, रनआउट का मौका बनेगा, एंड थ्रो है, और 3 रन के साथ इसको जा पहुंचता हुआ 28 रनों पर। 29 रनों का दरकार रहेगी इस मैदान पर मनोज इलेवन टीम नाला सबारा, मगर क्या ये जवाब मिलेगा। चलिए नेक्स्ट मैच धोनी संगला विनंती करते हो, जय साई इलेवन टीम और भंडारी इलेवन टीम के कप्तान टॉस के लिए जल्द से जल आ जाए। सलाह धोनी कर्णधार अपने विनंती करते टॉस साड़ी या जय साई इलेवन की गेम के कप्तान और भंडारी इलेवन टीम के कप्तान अपना विनंती का तुरी दिया हम जो कॉम बॉक्स है खाली, वहां पर आपका टॉस किया जाएगा। दोनों कप्तान इस 3 रन के साथ इसको 29 रनों की दरकार है, कौन से अंदाज में ये 29 रन बनाए जाएंगे या फिर डिफेंस किए जाएंगे। और ये सुबह का क्षेत्र एक बेहतरीन मुकाबले हमने देखे हैं, मगर आप इस मैदान पर एक एक गेंद पर रखना होगा। अठारह गेंदे 29 रनों की दरकार है। चला आलेला तमाम संघ अपन थोड़ी अपनी लोन करावी का आम्ही या मैदान जो उपस्थित झालेला आहोत आमच्या कमिटीला भेटा अशी तुम्हाला विनंती करतो। ही स्पर्धा बाजार नारंगी नामाचा नारंगी आयोजित पाटील परिवार। चला धोनी कर्णधार जय साई इलेवन कप्तान और भंडारी इलेवन के कप्तान आपल्याला विनंती केली जाते टॉस साठी तुरी दिया, तुम्ही आले नाही तर दुसऱ्या संघाला संधी दिली जाईल हे लक्षात ठेवा।
चलिए दोस्तों, ये नारंगी घास में नारंगी आयोजित आप देख रहे पाटिल परिवार के जानिब से टूर्नामेंट का आगाज किशन बाबूराव पाटिल सर जी और गंपा बाबूराव पाटिल सर जी के इनकी यादों को ये 23वें साल में पवन होती हुई टूर्नामेंट और लाजवाब अंदाज में खेला जा रहा है। पूरी मुंबई महाराष्ट्र की बात की जाए तो टूर्नामेंट के आगाज चल रहे हैं, मगर नारंगी के मैदान पर एक लाजवाब क्रिकेट का महासंग्राम चलता हुआ। आइए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर इसकी परिषद की बुलंद आवाज को लेकर तैयार हो जाएंगे, वह हमारे तुकाराम मंगला सर जी। कमांड डीजे मयूर। चलिए टॉस हो चुका है, जयसाई ने टॉस जीता, अपने निर्णय से हमें आगाह कर दें। और आप जयेश को देख रहे हैं, एक निर्मक और एक बेहतरीन सितारा टेनिशो का, एक लाजवाब बड़े खिलाड़ी और सितारों का भरना हमें देखने को मिलेगा। आज बुधवार का दिन है, 27 दिसंबर 2023 किसके नाम लिखी जाएगी आज की रात में। मनीष गेंदबाजी पर है, आइए लेते हैं अगली आवाज तुकाराम सर जी के द्वारा। धन्यवाद जहीर भाई। सर पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व खेळाडूंचं, प्रेक्षकांचं, मान्यवरांचं मैदानावरती सहर्ष स्वागत आहे। स्पर्धेचा आजचा चौथा दिवस आणि पहिला मॅच, पहिला सामना सुरू आहे। रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा होता, शॉर्ट दरम्यान रिझर्व मध्ये फील्ड केलं गेलं या चेंडूला। नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळ आयोजित आणि पाटील परिवार पुरस्कृत कैलासवासीय किसन बाबूराव पाटील व कैलासवासीय गणपत बाबूराव पाटील यांच्या स्मरणार्थ या स्पर्धेचं आयोजन। आजच्या दिवसातला पहिला मॅच, पहिला सामना आणि टार्गेट 29 धावांचं आव्हान समोर ठेवलं, मनोज इलेव्हन वर्सेस वाडी टीम, या दोन संघांदरम्यानचा हा पहिला मॅच। सकाळचं सत्र आहे, थोडस हवेचा वेग कमी आहे, जे मॉइश्चर असतं किंवा दव असतं, दव थोडं थोडंसं कमी होते, जसं सूर्यप्रकाश सूर्य थोडा थोडा वर येऊ चाललाय, तसा जो दमट पण आहे खेळपट्टीचा तो निघून जातोय। कालही आपण पाहिलं होतं ज्यावेळेला दुपारचं सत्र चालू व्हायचं त्यावेळेला धावांचा ओघ हा वाढला जायचा। चला फक्त जास्त वेळ जाणार नाही, याची थोडीशी काळजी घ्या, प्रिकॉशन आपण घ्यायचं आहे। लेफ्ट हँडेड बॅट्समॅन डावखुरा फलंदाज स्ट्रायकर एंडला सज्ज होतोय। तीन क्षेत्ररक्षक बाउंड्रीलाइन जवळ ऑन साइडला, दोन सर्कलमध्ये नऊ चेंडूचा इशारा, नऊ चेंडूचा इशारा, कारण फक्त तीन क्षेत्ररक्षक सर्कलमध्ये होतं आणि पंचांनी ते पाहिलं होतं। नऊ चेंडूचा इशारा पंचकडनं होतोय, एक सरन ऍड होईल धावफलकावरती। ज्यावेळेला लेफ्ट हँडेड राईट हँडेड कॉम्बिनेशन असतं ना, त्यावेळेला हेच बऱ्याच वेळा घडतं की क्षेत्राची रचना लावताना कदाचित मिस्टेक होते आणि इथे तीच मिस्टेक झाली होती क्षेत्ररक्षण सजवत असताना। उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा चेंडू मिस केला यष्टीरक्षकाने, तुझा तो मिस केलाय, पंचकडनं इशारा व्हाईट चा इशारा। पुन्हा एकदा जाहीर भाई आमच्याशी थोड्या वेळाने जोडले जातील। 29 पाठलाग करायचा आहे टीमला आणि 29 पाठलाग करत असताना पहिलं षटक जे फार महत्त्वाचं, खाली एक सामना जो होता आम्ही ज्यावेळेला 28 पाठलाग करायचा होता टीमला, त्यावेळेला म्हटलं होतं पहिल्या षटकामध्ये जर धावा नाही गेल्या ते 28 पाठलाग होणं थोडंसं कठीण होऊन बसेल, काल तसंही झालं होतं। पहिलं षटक फार महत्त्वाचं आहे, इथून शफल केला गेला ऑन साइडला, चेंडूला पोल केला, चेंडू चालला फाईन लेग लॉंग लेगच्या मधून, चेंडू गेलाय सरळ बॉर्ड लाईनच्या बाहेर, सौकार।
जी शैली बघितली थोडं सा साइड एम ऍक्शन आहे, हाय एम ऍक्शन असतं, कदाचित आकुटपेच्या चेंडूला बाउन्स मिळू शकतो, पण ज्या वेळेला तुमची ऍक्शन थोडीशी साइड एम आहे, रिलीज ऑफ द डिलिव्हरी जर पाहिलं तर थोडंसं साईडनं रिलीज केली जाते, त्यावेळेला चेंडूला बाउन्स मिळणं थोडंसं कठीण असतं, तेच मागच्या मॅचमध्ये पाहिलं होतं. अपील अपील पंचांचं बोर्ड वर, आउट साइड एक डिफ्लेक्शन झालं होतं, थोडासा कट झाला होता चेंडू आणि इथून विकेट्स ज्याची आवश्यकता होती तो प्राप्त केलाय. इथून गोलंदाजाने नवीन फलंदाज मैदानावरती सज्ज रमेश, तिथून सज्ज होतोय स्ट्रायकर एंडला, ज्या विकेटची आवश्यकता होती तो विकेट तर जरूर प्राप्त केलाय गोलंदाजानं. टॉम पुल केला चेंडू गॅपमध्ये, मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचला, एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण, दुसऱ्या धावचा प्रयत्न होतो, दुसरी धाव देखील वेगवान वेगवान, दोन्ही खेळाडू मध जे रनिंग बिटवीन द विकेट होती ते वेगवान होती, पाहिलं होतं थोडासा बाउन्स होऊन चेंडू त्यांच्यापर्यंत जाईल, फील्ड करेपर्यंत दोन धावा या चेंडूवरती पूर्ण केल्या फलंदा. बघा हे बघायचं असतं, ज्या वेळेला अलॉंग द ग्राउंड गेलाय, थोडासा वर्ण गेलाय, बाउन्स झालाय, ज्या वेळेला अलॉंग द ग्राउंड जातो हा चेंडू, बघा अलॉंग द ग्राउंड झालाय, लवकर पिकअप होणार, लवकर थ्रो होणार, पण ज्या वेळेला थोडासा अपीच जातो, ज्या वेळेला बाउन्स जातो तो फील्ड करेपर्यंत थोडासा वेळ जातो. मागच्या दोन चेंडूवरती ते लक्षात आलं होतं, एक धाव या चेंडूवरती दापलकावरती धावा जाऊन पोहोचल्या त्या 11. आखरी गेंदाना बाकी, पहिला ओव्हर फगाती पर चलता हुआ मनीष थोड़े से महंगे साबित होते हुए अपने टीम के लिए 29 रनों का टारगेट है, 11 रन बने हैं. अगली गेंद चल तैयार, फुल टॉस गेंद, गेंद को फेंक दिया, आउटसाइड पर खिलाड़ी है मगर ये क्या छुटा कि ये मैच छुटा, ये तो आने वाला वक्त कल आएगा, मगर वहां पर दो रन जरूर पिला जाएंगे बल्लेबाजों के लिए. थोड़ी सी गेंद फ्लेट आउट हुई मगर थोड़ी सी ड्रॉप होती हुई नजर आई और हम बाने से नखारा और दो रन के साथ रन संख्या 13 रनों पर ज्यादा पहुंचती हुई. ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए है मगर देखेंगे पहली ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या है सी 13. कम ऑन डीजे, गेंदे 16 रनों की दरकार है, भराड़ी वाली टीम भराड़ी लेती हुई नजर आ रही है, क्या बल्लेबाजी के जलवे बिगड़ रहे हैं. नाला सोबारा मनोज इलेवन टीम थोड़ी सी बैक फुट पर है मगर दोस्तों फ्रंट फुट पर आने की जरूरत है, ये पहला मुकाबला है. संदीप आए गेंदबाजी करने के लिए, बड़ी जवाबदारी है, 12 गेंदे 16 का दरकार है, 4 का फासला है, जहां पर 11 का फासला था वहां नजदीक करते हुए आए हैं. आउटसाइड पर गेंद को मोड़ दिया, गेंद ने ऊंचाई ज्यादा ली है, देखने को खिलाड़ी है, ले लिया कैच, बल्लेबाज गोंद, विकेट की तवा, मधुर संगीत बजता हुआ. विफुल आए न्यू बैटर मैदान पर, 11 गेंदे और अभी भी 16 रनों की दरकार है. ये गेंदबाजी बल्लेबाजों को बीट या फिर विकेट छपकाने के और विकेट गुच्छे में लेने होंगे. बहुत ही बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, पहला मुकाबला खेलने के लिए सज्ज हो गई है दोनों टीमें.
बेहतरीन शॉट ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया, मिड विकेट पर गेंद जा रही है, खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करते थ्रो आएगा, दूसरे रन की मांग है, गहरे लाइन पर थ्रो डायरेक्ट होना चाहिए था, थोड़ा सा फ्रेक आता हुआ थ्रो और इस दो रन के साथ स्कोर में बढ़ती स्कोर जहां पहुंचता हुआ 15 रनों पर, 14 रनों की दरकार है, 10 गेंदों का खेल मैदान पर अभी भी आना बाकी है, 10 गेंदे है, 14 की दरकार है, वो 4 का फासला है, दूर किया जाएगा, नजदीक किया जाएगा बल्लेबाजों के द्वारा, शॉट गेंद थी, पहले बैकफुट पर गए, फ्रंट फुट पर आए, फिर बैकफुट पर जाकर गेंद को कट कर दिया, गेंद थर्ड बन पर जाती हुई और एक रन निकालने का फुल के पास मौका था, इस एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंचती हुई 16-13 रनों की दरकार है, बड़ा मुकाबला पहले सुबह का क्षेत्र का और ये चौथा दिन आप देख रहे हैं, आज बुधवार का दिन है, 27 दिसंबर 2023 का महासंग्राम है और 230 तारीख को इसका अंजाम क्या होगा, कौन होगा चैंपियन, कौन होगा बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन मालिक का वीर, मगर यहां पर गेंद है मैदान पर, तुकान सदी अभी भी 9 रन आने बाकी है इस मैदान पर, 13 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता है, अरे या दोन्ही बाजूने जर बघितलं विकेट गमावल्यानंतर डावखुरा फलंदाज जो फार महत्वाचा आहे, बॅटच्या खालच्या टोकाला चेंडू लागतोय, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये फील्ड केलं गेलं, एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण केली गेली, कारण धावांचा बाटला करताना कदाचित एक गोष्ट तर लक्षात आलेली आहे, लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशननं उतरण्याचा प्रयत्न त्याच करता केला आहे, की गोलंदाजाला थोडंसं डिस्टर्ब करताय, लाईन अँड लेंथ त्याची थोडीशी आपण हे करताना आखताना कदाचित त्याला थोडासा त्रास होईल, पायावरचा चेंडू होता, फ्लिक केलाय पण जास्त दूर नाही जाऊ शकला, मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक आलाय चेंडूच्या खाली आणि अजून एक विकेट गमावलाय पटला करताना, विकेट गमावलेला आहे, आता समीकरण बघणं गरजेचं आहे, इथून 7 चेंडूचा खेळ उरलाय, 12 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे, तसा जमिनीचा 7-12 असतो तसा 7-12 खेळ आहे, पण महत्वाच्या वेळा मनोज इलेव्हन हा विकेट गमावलाय, वाटलं होतं गाडी रमपंपम सुरळीत चालू आहे, योग्य मार्गावरती आहे, नवीन फलंदाज मैदानावरती माने स्ट्रायकर एंडला, पहिल्या चेंडूला स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, आपण बघा चित्र तेच आहे, मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षकाला आणि एका पाठोपाठ एक लागल्यात 2 धक्के गॉन, शेवटच्या 6 चेंडूचा खेळ उरलाय, 6 चेंडूमध्ये इथून 12 धावांची आवश्यकता आहे, नवीन फलंदाज मैदानावरती आलाय पण डावखुरा फलंदाज अजूनही आहे, मनोज जे कॅप्टन आहे ते आता सध्याच्या घडीला विकेट्सवरती खेळपट्टीवरती आले आहेत, डावखुरा आताचा फलंदाज अवनी आहे, आता कॅप्टन जोडीला आलेला आहे आणि शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी जी संधी दिलेली आहे ती गोलंदाजाला, आता जय आहे तर विजयी मिळायला हवा, जय गोलंदाजीसाठी यासाठी आणलेला आहे की 6 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता आहे, जहीरभाई पुन्हा एकदा जोडले जातील आमच्याला, 6 चेंडू आणि इथून करायच्या त्या 12 धावा, सही का सरजी आपने, शॉर्ट गेंद ही पुल कर दिया, गेंद जा रही है फाइनल पर, खिलाड़ी गेंद का पीछा करे, रोक पाएंगे, रोक लिया है, 2 रन रोकने में नाकाम रह जाएंगे, अब गेंद है मैदान पर 5 और रन आने बाकी है 10, तो तुकार सर जी इस मैदान पर अब तो बचपन का हमें याद लेना होगा कि स्कूल में जाने के बाद टीचर ने हमें जो पाड़े दिए हैं वो पाड़े को याद करना होगा, क्या कहना चाहेंगे आप, प्रत्येक प्रत्येक चेंडूवरती 2 धावा, 5-2 10 जसं तुम्ही आता उल्लेख केला गेला होता तसा प्रत्येक चेंडूवरती 2-2 धावा सहित आता समीकरण जुळवावं लागणार आहे, पण 2-2 धावांचं समीकरण जुळत असताना एक मोठा फटका किमान एक चौकार जर आला तर सोप्प होऊन बसेल, पण एक निर्धाव चेंडूचा उल्लेख होत असताना व्हाईट बॉलचा इशारा तिथून होतोय, एक्स्ट्रा रन
एक्स्ट्रा रन ज्यावेळेला तुमच्याकडे थोडासा बँक बॅलन्स कमी आहे, धावांचं पाठबळ कमी आहे, त्यावेळेला एक्स्ट्रा रन तुम्हाला विजयापासून लांब नेतील, विक्टरीपासून थोडासा दूर नेऊ शकतील. अपील झालाय, अपील झालाय, आणि ज्या विकेटची आवश्यकता होती अवनीचा विकेट, अवनीचा विकेट प्राप्त केलाय जयन, आणि मॅच मध्ये पुन्हा एकदा आलाय टर्न अराउंड. कोण इलेव्हन या दोन संघादरम्यान होणारा सामना, पुढचा सामना जयसाई आणि भंडारे इलेव्हन. नाणेफेकीचा कॉल, टॉस विन झालाय तो जयसाई या संघानं, आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतलाय. तर आपण या मॅचच्या समाप्तीनंतर आपण लगेच मैदानाच्या दिशेने उतरा. चार चेंडू आणि इथून नऊ धावांची आवश्यकता आहे, चार चेंडू नऊ धावांची आवश्यकता. नवीन फलंदाज स्ट्रायकर एंडला सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा आलाय आवाज, आवाज आलाय, कटचा आवाज आलाय, आणि इथून पाठीमागे विकेट किपर ना अजून एक टिपलाय झेल. संपला बॅट्समनचा खेळ, गॉन. आइए तमाम क्रिकेट प्रेमी, तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है. क्या ये मुकाबला हैट्रिक पर गेंदबाज आए हैं, जय. और सही कहा था सर जी आपने, जय है विजय का नाम लेना होगा, और वो गेंदबाजी का जलवा. आप आने वाली तीन गेंदे नौ रनों की दरकार है. सनी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे दुकान सर जी? बिल्कुल, अपना सपना मनी मनी सनी स्ट्राइकर एंडला. पायावरती चेंडू आदळला इथून, तीन चेंडूवरती तीन विकेट, तिसरा धावाच्या स्वरूपात गडी बाद झालाय, पण त्यालाही परतावा लागलाय. इथून आता दोन चेंडूचा खेळ शिरकलेला आहे, आणि ते दोन चेंडू मध्ये करायचे आता नऊ धावा. एक ब्रेक घेऊया आणि पुन्हा एकदा येऊया मॅचच्या दिशेनं. करंटला आलाय कॅप्टन, नो खेळावा लागणार. दुसऱ्या बाजूला मी म्हटलं होतं जय विजयाच्या दिशेनं जाण्याचा प्रयत्न जय जरूर करणार. जय ना चांगली गोलंदाजी हाताळलेली आहे, पण कॅप्टन एक स्ट्रोक, एक मोठा फटका, एक बिग हिट, एक षटकार, पुन्हा एकदा मॅच मध्ये येऊ शकतो टीम मनोज इलेव्हनचा संघ. एक चांगला चेंडू, मिस टाइम स्ट्रोक झाला, ऑफसाइड या दिशेने चेंडू गेला, फील्ड केल्यापर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती पोहोचले आहेत. दोन धावा या चेंडूवरती पूर्ण केलेले आहेत. आता शेवटच्या चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिलाय. बघा समीकरण कसं होतं, नऊ तेरा पासून सुरू झालेला प्रवास, नऊ चेंडू आणि तेरा धावा असं समीकरण होतं, पण मागच्या आठ चेंडूवरती फक्त तुम्ही बनवल्या सहा धावा, आणि त्याच्यामुळे आता समीकरण आलंय एक चेंडू आणि सात धावा. पायावरती पायावरती चेंडू आदळलाय, लेग स्टंपच्या बाहेर हा चेंडू होता, पण पायावरती चेंडू आदळला, आणि जय न खऱ्या अर्थानं नाव जय सार्थ ठेवलंय, विजय मिळवून दिला आपल्या टीमला. जे प्रेशर होतं, दडपण होतं, दबाव होता, क्रुशियल मोमेंट होती, आणि त्या क्रुशियल मोमेंट मध्ये चांगली गोलंदाजी हाताळली आहे, आणि आपल्या संघाला इथून बरोडीवाडी या टीमला विजय संपादक करा. अभिनंदन बरोडीवाडी टीम्स. तर मनोज इलेव्हन नालासोपारा टीम आपण या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालात, आपल्याही मनापासून आभार. एक ब्रेक, ब्रेक नंतर येऊया जिथे जयसाई टीम, जी जशी आम्ही विनंती केली होती लगेच मैदानाच्या दिशेने येते. थँक्यू जयसाई, कारण प्रयत्न तोच आहे की वेळ जितका वाचवता येतील तितका वाचवला, तर जास्तीत जास्त संघाला खेळण्याची संधी
या स्पर्धेमध्ये मिळू शकेल।